वेलकम टू द लेक्चर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है ये है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसमें हमको तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सो द फर्स्ट फार्मूला आई विल राइट हियर, फर्स्ट फार्मूला जेड इज वाई वन इंटू वाई टू डैश माइनस वाई टू इंटू वाई वन डैश। देन हमें फाइंड करना है u एंड v। अब u का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन माइनस वाई टू इंटू एक्स अपॉन जेड डी एक्स, और v का फॉर्मूला है वाई वन इंटू एक्स अपॉन जेड डी एक्स, वेयर हमको जो निकालना है वो तो pi है। u y1 प्लस v y2 हमारा रहेगा फाइनल आंसर। सो हमें pi के फॉर्म में तो इक्वेशन निकालना ही है, u y1 प्लस v y2। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि y1 और y2 कौन है इनमें से, धीरे धीरे बताऊंगी एक एक चीज़। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है जैसे z यानी इसके दोनों के डिनोमिनेटर u और v के डिनोमिनेटर सेम है, क्या है y1 और y2 डैश, y2 डैश यानी डेरिवेटिव, और y2 एंड y1 डैश, y1 डैश यानी y1 का डेरिवेटिव। देन यहाँ पर u में माइनस है, इंटीग्रेशन में v में प्लस है, माइनस नहीं है। यहाँ पे x z x z सेम है, और ये जो x रहता है ये x है हमारा राइट हैंड साइड, तो इस केस में x है sec x इंटू टेन एक्स। अब ये सब निकालना कैसे है, पहले तो हमको राइट हैंड साइड पता है sec x इंटू टेन एक्स। अब हमें निकालना है पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है इसलिए वन लिख दिया। नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। नाउ सी एफ विल बी सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। सी एफ के हमने फॉर्मेट देखे थे, उसके हिसाब से इमेजिनरी टर्म का फॉर्मेट ये था, और यहाँ पे रियल टर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की टर्म नहीं आएगी, राइट। तो सी वन जो मैंने बताया था, वाई वन और वाई टू क्या है, सो वाई वन एंड वाई टू ये जो है एक्चुअल में सी वन का जो सी वन के साथ जो रहेगा मल्टीप्लीकेशन में उसको हम कहते हैं वाई वन, सी टू के साथ जो रहेगा उसको कहते हैं हम लोग वाई टू। तो हमको क्या क्या चाहिए, y1 डैश भी चाहिए और y2 डैश भी चाहिए, यानी हमको दोनों के डेरिवेटिव चाहिए। तो y1 का डेरिवेटिव y1 डैश इट विल बी cos x का डेरिवेटिव यानी कि माइनस साइन x, और y2 डैश विल बी इसका डेरिवेटिव cos x। अब ये हमको सब मिल गया, हमको क्या पुट करना है, सिर्फ z में पुट करना है। सो z बिकम्स y1 इंटू y2 डैश, y1 इंटू y2 डैश और y2 इंटू y1 डैश। तो ये हो गया cos x इंटू cos x माइनस माइनस साइन x इंटू साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया cos x इंटू cos x यानी cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, एंड साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। तो हमारा z क्या आ गया 1। नाउ u में पुट करना है हमको, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वाई टू, वाई टू यानी साइन एक्स इंटू एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन वन। सो यहाँ पे है जो आसपास बहुत सारे पंछी, रेलवे क्रॉसिंग, एवरीथिंग इज देयर टू डिस्टर्ब, बट बर्ड्स डोंट डिस्टर्ब मी, बर्ड्स आई लव बर्ड्स। साइन एक्स सेक एक्स का वन अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स इन्हें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देन यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एंड कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इट गिव्स टेन स्क्वायर एक्स टी एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग पुट कर सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और क्योंकि ये माइनस उसके साथ
ये हो गया माइनस, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन रहता है, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स हम लोग पुट कर सकते हैं, माइनस साइन इलिमिनेट हो जाएगी, तो वन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स और सेक एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। मैंने ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रब कर दिया क्योंकि यहाँ पे वी के लिए जगह नहीं थी। सो कमिंग टू वी, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई वन इंटू एक्स, वाई वन इन कॉस एक्स इंटू एक्स यानी ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक एक्स हमको पता है वन अपॉन कॉस रहता है, कॉस कॉस कैंसिल होकर ये हट जाएगा और बचेगा सिर्फ ये टेन एक्स, और इंटीग्रेशन टेन एक्स इज लॉग ऑफ सेक एक्स। यहाँ पे हमारा हो गया u भी आ गया हमारा और v भी आ गया, हमको सिर्फ pi की जगह पे पुट करना है। x माइनस टेन एक्स इंटू वाई वन कॉस एक्स प्लस वी इंटू वाई टू, वी इज लॉग ऑफ सेक एक्स इंटू वाई टू, वाई टू इज साइन एक्स, और ये रहेगा हमारा pi। तो बेसिकली हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये चार फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली तो वो तीन ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ जो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन रहता है इसलिए मैंने उसको अलग से लिख के जेड करके नाम दे दिया और जेड का फॉर्मूला लिखा है मैंने, अदरवाइज़ इसमें तीन ही फॉर्मूले। आपने जेड भी नहीं लिखा और डायरेक्ट ये दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा तो भी वो सेम ही आएगा। और वाई वन और वाई टू जो निकालना था तो वो हम लोग पहले सी एफ निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मैंने रब कर दिया पार्ट, सी एफ निकालते हैं और उसके बाद में जो सी वन के साथ रहेगा वो वाई वन, सी टू के साथ रहेगा वो वाई टू, उसको हम लोग पुट करके उसके बाद में उसके डेरिवेटिव्स करके ये फॉर्मूला में पुट करके इंटीग्रेशन करके हमारा आ जाता है आंसर यू और वी का। और जब यू और वी आता है इंटीग्रेशन करके वो हमको सिर्फ पी आई की जगह पे पुट करना है, एंड द फाइनल सॉल्यूशन एज ऑलवेज विल बी कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व किया जाता है। आप और भी प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ डिफिकल्टी आई तो आप पूछिए मुझे। इसके बाद के हायर ऑर्डर के लेक्चर्स में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।